हे गाइस वेलकम बैक टू वी आर फैमिली ब्लॉग। सो गाइस मॉर्निंग हो जाती है हमारे यहाँ पे जब यू उठ जाता है। जैसे यू उठता है ना पूरे घर में चहल पहल चालू हो जाती है। ये देखिए ये यू ने शॉट मारा। वो बोला ये आई बॉल, बॉल बोला दवाई नहीं दवाई नहीं दवाई नहीं नहीं पीनी है उसको, इसीलिए वो रख रहा है। हाँ इसमें से कांच की बोतल है। अच्छा बेटा कोई जरूरत नहीं है आपकी इतनी मेहनत की। युविन आ जाओ दवाई पी लो, आ जाओ दवाई पी लो। क्यों क्यों कोको से खेलेंगे? क्यों दवाई क्यों नहीं पीनी है? युविन पापा युविन को पकड़ के लाओ दवाई। नहीं, खेलने दो थोड़ी देर। ये पापा से ही बिगाड़ बिगाड़ के ऐसा हो गया है। वो पापा ने उसको बिगाड़ रखा है। ये शॉट गुड बॉय युवन गुड बॉय। फोटो खींचा आपने? यस फोटो खींचा। हाँ वीडियो बनाने को बोलता है मम्मा फोटो खींचो मेरा। पापा पैर दूर करो। हाँ मैं बास्केट करूंगा। हाँ अभी देखो। हाँ चलो। हाँ ये अरे वाओ कहाँ जाना है? हेयर कट करने जाना है तो युविन और हम पापा जा रहे हैं हेयर कट करने, है ना? युविन के हेयर कितने बड़े हो गए दिखाओ तो बेटा। यो इतने बड़े कोई रखता है क्या इतने बड़े? युविन और पापा मैचिंग मैचिंग करके जा रहे हैं हेयर कट कराने, है ना बेटा? बारिश को आपने डिज्यूम कर दिया था बेटा? डिज्यूम कर दिया। बहुत जोर से आई थी बारिश। बहुत जोर के बाद आई थी। हाँ बाप रे इतनी जोर से बारिश आई थी। और बेटा मम्मा भी गीली हो गई थी। मम्मा भी गीली हो गई थी। हाँ। नानी भी गीली हो गई थी। और दीदी? दीदी भी गीली हो गई थी। ओ बाबा रे इतनी जोर से। और युविन गीला नहीं हुआ था? नहीं हुआ। आपने डिज्यूम कर दिया था बारिश को? डिज्यूम कर दिया था मैंने भाई। अच्छा इसलिए आप गीले नहीं हुए? मॉस्किटो आ गया कार में? कार में। कैसे आ गया मॉस्किटो कार में? युविन पूरे टाइम बातें करता है कार में। हाँ बेटा पीछे कार्टून है। पीछे भी कार्टून है? पीछे भी कार्टून। वॉल पे कार्टून बने हुए हैं, स्कूल की वॉल है वहाँ पे कार्टून बने हैं ना बेटा। युविन पहुँच गया हम हेयर कट करने। तो हम आ गए, ये पीछे युविन का सैलून है जहाँ पे युविन ने आज तक की करवाई है हेयर कट। मैं युविन को शू पहना रहा था और ये देखो युविन के शू में से क्या निकला। ये युविन के शू में लगा हुआ था ये। अगर बच्चे नहीं ये नहीं छूते बेटा, इससे ताता होती है। ये किसी वैक्सीन का वो है और ये कहाँ से पता नहीं युविन के शूज़ में लगा। बताओ मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे तो यार। ये आप लोग ध्यान रखा करो, बच्चों के शूज़ भी चेक करा करो। तो युविन इज रेडी, युविन का हेयर कट चालू हो गया है। कैसा रखना सर? युविन हैंड बाहर निकालना। ये निकल गए हैंड बाहर। अभी हो गया युविन का बिफोर लुक, मैं आपको आफ्टर लुक दिखाता हूँ। हेयर कट हो गया? ओ वाओ दिखाओ हेयर्स और उस साइड के दिखाओ, उस साइड के। वाओ युविन का तो हेयर कट हो गया। मज़ा आया बेटा हेयर कट करा के? पहले बताओ मज़ा आया आपको हेयर कट करा के? हाँ शूज़ भी तो पहनने, रुको शूज़ पहनेंगे। कहाँ जाएंगे बच्चों? अब हम कहाँ जाएंगे? हम कोको लेने जाएंगे। कोको लेने जाएंगे? युविन को कोको चाहिए? कोको मतलब बॉल है ना? ब्लू वाला कोको चाहिए। आज अपन ने ऑरेंज पहना है ना बेटा, आपने ऑरेंज पहना है, पापा ने ऑरेंज पहना है, तो ऑरेंज वाला कोको ले लेंगे। ठीक है ऑरेंज वाला ले लेंगे। तो युविन ने हेयर्स कटाने की रिश्वत ली है, टॉयज लिए हैं, कार्स ली है 5-6। बिना रिश्वत के भी आजकल काम नहीं करता, और रिश्वत सिर्फ टॉयज चाहिए होते है ना बच्चों। टॉयज और गेम जोन, टॉयज और गेम जोन। तो हम आ गए घर।
तो गाइज मैं जा रही हूँ आज शॉपिंग करने, बहुत सारे शॉपिंग करने, कान्हा जी की मुझे शॉपिंग करनी है। एकदम से दचका लगा मुझे, ऑटो से आज जा रही हूँ मैं, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मैंने छाता भी अपना रख लिया है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, निश्चिंत होकर के मैं जा सकती हूँ क्योंकि पूरा टाइम बारिश हो रही थी। तो गाइज मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर, अब देखती हूँ दुकान ढूँढ रही हूँ, मैंने छाता भी लेकर आई साथ में। तो गाइज़ ये मार्केट इंदौर का फेमस मार्केट है जहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो पहुँच गए हम शॉप पे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मैं आज पहली बार आई हूँ इस शॉप पे, मुझे सारा रॉ मटेरियल चाहिए था ज्वेलरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कान्हा जी राधा जी बहुत सजा सजा करके रखे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो गाइज़ आ गई हूँ मैं घर अपना छाता और अपना सामान लेकर के। इसलिए पालना जी की बहुत लॉयल होते हैं, वो बाहर ही हमारा इंतजार करते जब तक हम बाहर, हम दोनों तुम्हारे लॉयल पपी हैं। तो ये दोनों मुझे बाहर ही मिल गए गाइस, मेरा वेट कर रहे थे खड़े होकर के। गाइस मैं बहुत सारा सामान लेकर के आ गई हूँ, मैं अपने लिए आज बैंगल भी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं। तो ये देखो, मतलब जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना तो मैं वो छोड़ती नहीं हूँ, मैं वो ले लेती हूँ चाहे मुझे उस टाइम पे उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, देखो बहुत सुंदर लगे, क्वालिटी भी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और गाइस ये मुझे पड़े हैं 1100 रुपए के, तो 100 रुपए डिस्काउंट किया भैया ने, 1000 रुपए के पड़े, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखो एक एक चीज़ की फिनिशिंग इतनी प्यारी है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये मेरे हैं बैंगल जो मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ले लिए क्योंकि मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। और मैं आज लेकर गई हूँ बहुत सारा सामान, तो ये भगवान जी का सेट एक लेकर के आई हूँ मैं जो बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने ले लिया। और बांसुरी भी भगवान जी की, जो मेरे पास एक ही बांसुरी थी भगवान जी की और नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ भगवान जी के लिए। तो बहुत सुंदर सुंदर दो बांसुरी, जब मैं ये पहनाऊँगी आपको तभी दिखाऊँगी। ये मैं स्टोल बांध के गई थी, ये वो है, ये है गाइस राधा रानी के गले का हार जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही प्रिटी, एड़ी का है ये, जो एड़ी के आते हैं ना एड़ी वाले नेकलेस, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, तो बहुत ही प्यारा इस तरीके से राधा रानी पर बहुत सुंदर लगेगा, तो ये मैंने उनके लिए लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है, फुल एडी का है गाइस ये। और ये मैंने एक और सेट लिया है राधा रानी के लिए, जो भी पैकेट में इस तरीके से शो नहीं हो रहा है पूरा, पर बहुत सुंदर लग रहा है ये, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा है। और मैंने ये लिए हैं राधा रानी के लिए गजरे, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगा, इस तरीके से दो लेकर के आई हूँ मैं, दोनों तरफ एक एक लगाऊंगी मैं, बहुत प्यारा। आप सोचो वाइट के साथ ये पिंक रोज़ लगे हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा उठाव आ रहा है इसका, एक शानदार लुक आ रहा है। तो मैंने ये दो लिए हैं, दोनों तरफ एक एक लगाऊंगी मैं, तो बहुत प्यारा लुक आएगा। और मैंने लिया है ज्वेलरी का सामान गाइस, तो जैसे इस तरीके की ज्वेलरी मिलती है ना, ये सारी ज्वेलरी जो मिलती है ऐसे बड़े बड़े हम लोगों के हिसाब से बनती हैं ये ज्वेलरियाँ। तो गाइस ये मैं लेकर के आई हूँ नेकलेस बनाने का सामान, क्योंकि मैं फिटिंग वाले पहनाती हूँ, मुझे उसका मतलब अच्छा नहीं लगता, जैसे हम लोगों का जो साइज़ होता है उस साइज़ के ही मिलते हैं मार्केट में ज्वेलरी, तो वो साइज़ राधा रानी पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, मतलब आप समझ लो कि अगर मुझे यहाँ पर पहनाना है ना तो वो हार यहाँ तक आता है भगवान जी को, तो इसलिए मुझे मतलब वो फिटिंग नहीं मैच खाती है, तो मुझे चाहिए होता है बिल्कुल फिटिंग, सब कुछ प्रॉपर एकदम एवन, तो इसलिए मैंने सोचा है कि ज्वेलरी मैं खुद बनाऊँगी भगवान जी की। तो मैं सारा मटेरियल लेकर के आई हूँ, इसकी बनाऊँगी मैं गाइस ज्वेलरी बहुत प्यारी, इस तरीके से सारे चीज़ मिल जाता है, ये ऐसे सब मिल जाता है मार्केट में, तो ये मैं ले आई हूँ, अब इसका मैं बैठ के बढ़िया आराम से ये सब चीज़ें बनाऊँगी।
और गाइज अगर आपके भी राधा जी और कान्हा जी हैं और आप भी नहीं वो कर पा रहे हो तो आप इस तरीके का मार्केट से चीज़ें ला सकते हो और इनका आराम से इजीली आप बना सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं ये गाइज मोर पंख लाई हूँ क्योंकि कान्हा जी को मोर पंख तो बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो मैं ये मोर पंख लाई हूँ ये उनको लगाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर सुंदर। इनका जब चूड़ी बनेगा ना प्रॉपर तब बहुत अच्छा लगेगा ये। और ये मेरे रिंग में चिपकाने के लिए लाई हूँ, बहुत सुंदर सा है। अब गाइज ये लेकर के आई हूँ मैं अपने लिए प्यारी सी नथ, इसको वेयर करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज ये इस तरीके से रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है। जब मैं पूरा गेटअप करूँगी, तैयार होंगी तब मैं वेयर करूँगी तो और प्रेटी लगेगा। अब ये जो डंडी है ये थोड़ी सी और अंदर जाएगी। तो गाइज आज की है मैंने ये सारी शॉपिंग्स, क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसके बाद जन्माष्टमी भी आ रही है, तो तैयारियां तो चालू हो गई हैं मेरी अभी से ही। और ड्रेस तो मैंने काफ़ी दिन पहले ही दे दिया था भगवान जी का, जन्माष्टमी का भी और राखी का भी स्टिच होने के लिए। सो बस गाइज ऐसे ही धूम धड़क कैसे सारी तैयारी करनी है मुझे फटाफट। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं तक, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।